नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कंचन। रेसिपी प्लैनेट चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सूजी का हेल्दी टेस्टी नाश्ता बनाएंगे। बहुत फटाफट बनता है और उतना ही टेस्टी बनता है और ये बहुत ही हेल्दी होता है। आप इसको टिफिन में दे सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर सूजी ली है। ये 1.5 कप सूजी है। इसे आप कटोरी से भी नाप सकते हैं और साथ ही साथ 1 कप दही लिया है। दही की जगह आप छाछ भी ले सकते हैं। और अभी इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। सुबह की भागदौड़ में टिफ़िन के लिए क्या बनाएं समझ में नहीं आता है, उस वक्त इसको आप ज़रूर बना लीजिए। यह अभी अच्छे से मिक्स हो गया है और अभी इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। आप चाहे तो लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं या फिर चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। साथ ही साथ 2 बारीक कटी हरी मिर्च, आप थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। करीब 1/2 कप कद्दूकस किया हुआ गाजर, 2 बारीक कटे प्याज, ये करीब 1 कप प्याज है। 2 बारीक कटी शिमला मिर्च, ये करीब 1/2 कप है। थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया। अभी इन सब को अच्छे से मिक्स करेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा पानी भी डालेंगे। सब्जियाँ जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं और चाहे तो इसके साथ और भी सब्जियाँ आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये टिफ़िन के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये जल्दी भी बनता है और टेस्टी भी बनता है और ये उतना ही हेल्दी भी होता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी सब्ज़ियाँ हमने ऐड की होती है। अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं तो इसको आप डाइटिंग में भी खा सकते हैं। ज़रूरत के हिसाब से इसके अंदर मैंने पानी डाला है और एक अच्छा सा बैटर तैयार किया है। और अभी इसको हम ढक के थोड़ी देर साइड में रखेंगे ताकि सूजी थोड़ी सी अच्छे से फूल सके और बाद में बाकी की चीज़ें इसके अंदर ऐड करेंगे। ये देखिए, ये कितना अच्छा लग रहा है, इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है। ये कलरफुल दिखता है इसलिए बच्चे इसे खुशी खुशी खाते हैं। अभी इसको ढक के 15 मिनट के लिए साइड में रखते हैं और तब तक हम चटनी बनाते हैं। चटनी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक मिक्सर का बर्तन लिया है और अभी इसमें डालेंगे थोड़ा सा फ्रेश कोकोनट बारीक पीसेस में कटा हुआ और साथ ही साथ थोड़ी सी चटनी डाल, 1/2 टीस्पून साबुत जीरा, 2 हरी मिर्च, थोड़ी सी इमली, स्वादानुसार नमक, थोड़ा सा पानी। अभी इसका बारीक सा पेस्ट बनाएंगे। ये देखिए, ये स्मूथ सा पेस्ट अभी बना लिया है। अभी इसको एक बाउल में निकालेंगे। अभी ये चटनी पीस के तैयार है, इसको अभी हम एक तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए एक फ्राई पैन में मैंने थोड़ा सा तेल गरम कर लिया है और अभी इसमें डालेंगे थोड़ा सा राई, साथ ही साथ थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा हींग। आप चाहे तो इस समय इसमें थोड़ी सी उड़द दाल, चना दाल, साबुत लाल मिर्च डाल सकते हैं और ये तड़का भी इसके अंदर इसके ऊपर इस तरीके से डालेंगे और इस चटनी के अंदर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, अभी हमारी ये चटनी भी तैयार है। अभी इसको हम थोड़ी देर साइड में रखते हैं और जो हमने बैटर रखा था उसको चेक कर लेते हैं। अभी 15 मिनट हो चुके हैं, अभी चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं सूजी कितने अच्छे से फूली है। और अभी इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून खाने वाला सोडा। अगर सोडा नहीं है तो आप इसमें यूनो भी डाल सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें डालेंगे 1/2 नींबू का जूस, इससे इसके अंदर अच्छी खटास आएगी और सोडे की वजह से ये बनाते समय अच्छे से फूलेंगे और अंदर से सॉफ्ट स्पंजी बहुत अच्छे बनेंगे। आप इस समय इसमें जीरा, राई, करी पत्ते का तड़का लगा के भी डाल सकते हैं, उससे भी और स्वाद बढ़ेगा। अभी ये तैयार है। अभी मैंने गैस पे कढ़ाई रखी है, आप फ्राई पैन भी ले सकते हैं या डोसे का तवा भी ले सकते हैं। और अभी इसमें थोड़ा सा तेल लगाएंगे और अभी इसमें से 1 चम्मच बैटर लेके इसके अंदर डालेंगे और हल्के हाथों से इसको फैलाएंगे। और अभी इसके ऊपर ढक के 1 से 2 मिनट के लिए हम पकने देते हैं। अभी इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा बन गया है, इसका कलर भी कितना सुंदर लग रहा है और कितने अच्छी तरीके से ये फूल भी गया है। और अभी इसको हम पलट देते हैं और साइड में और थोड़ा सा तेल लगाएंगे। आप तेल की जगह घी लगा सकते हैं और तेल या घी आप लगाना नहीं चाहते तो भी ये अच्छा ही बनता है, अच्छे से निकल आता है। नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। आप इसे डाइट में खाना चाहते हैं तो तेल मत लगाइए। और अभी दूसरी साइड से भी ढक के अच्छे से पकने देते हैं 1/2 मिनट के लिए। दोनों तरफ से इसे लो फ्लेम पर ही पका लीजिए। इसको फिर से पलट देते हैं। ये देखिए कितना अच्छा बना है, कितना अच्छा लग रहा है, कलर भी बहुत सुंदर आया है। और अभी इसी तरीके से सारे तैयार करेंगे।
मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ। इसके अलावा और भी ऐसी टेस्टी टेस्टी रेसिपीज़ हमारे चैनल पर हैं, तो आप उनको भी देखकर बना सकते हैं। और साथ ही साथ अलग अलग तरीके की चटनीज की रेसिपी भी हमारे चैनल पर है, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। जो आपको पसंद हो आप बना लीजिए। ये देखिए अभी ये सारे तैयार हैं, अभी हम सर्व करते हैं। और अगली रेसिपी कौन सी बनानी है ये भी बता सकते हैं। ये देखिए अभी हमारा ये नाश्ता और साथ ही साथ कोकोनट की चटनी, दोनों चीज़ें तैयार हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे बने हैं, कलर भी कितना अच्छा आया है, बहुत ही टेस्टी भी लगते हैं। तो बना के ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर भी ज़रूर बताइए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं ऐसी ही नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।